रूस वैसे तो बीते कुछ महीनों से यूक्रेन पर हमले बढ़ाए हुए है, लेकिन इधर कुछ दिनों में उसने हमले काफी तेज कर दिए हैं। रूस के एक हमले से यूक्रेन संभलता नहीं कि उस पर दूसरा हमला हो जा रहा है। रूस ने कीव और उसके आसपास के क्षेत्र में कई हफ्तों में अपना सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया। इस हमले से पूरे यूक्रेन में अंधेरा छा गया। यह हमला यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक खुफिया अपडेट में कहा गया कि रूस ने 21 मार्च को एक महीने से अधिक समय के बाद यूक्रेन पर अपना पहला बड़ा और लंबी दूरी का हवाई हमला किया है। खुफिया आकलन से पता चलता है कि हमले में कम से कम 10 TU-95 बियर एच विमान शामिल हैं। इनमें MiG-31 फॉक्सहाउंड लड़ाकू विमान भी शामिल है। यह हवा से लॉन्च होने वाली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के विवरण के अनुसार कम से कम 20 मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से अधिकांश का लक्ष्य कीव था। हमले में रूस की प्रसिद्ध AS-23A कोडियाक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल और AS-24 किलजॉय या किंजर एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थी। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने भी हमले में रूस द्वारा इस्तेमाल की गई मिसाइलों की एक विस्तृत सूची जारी की है, जिसमें 12 स्कंद बैलिस्टिक मिसाइलों सहित 40 KH-101 KH-555 क्रूज मिसाइलें, 5 KH-22 क्रूज मिसाइलें, 7 KH-47 M2 किंजल एरो बैलिस्टिक मिसाइलें, 22 S-300 400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और 2KH-59 गाइडेड क्रूज मिसाइलें शामिल थी। इनके अलावा रूस ने यूक्रेन पर लगभग 63 कामिकेज ड्रोन भी दागे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी स्वीकार किया कि उसके एरोस्पेस बलों ने यूक्रेन के सशस्त्र बलों के कंट्रोल सेंटरों पर उच्च सटीक हथियारों से हमला किया। खुफिया अपडेट की माने तो यूक्रेन की सरकार और जनता पर दबाव डालने के लिए रूस लंबे समय तक युद्ध जारी रख सकता है। युद्ध का लंबा खिंचना इसलिए भी तय माना जा रहा है क्योंकि रूस यदि इस लड़ाई को आगे न बढ़ाना चाहता तो वो यूक्रेनी एयरबेस पर हमले की बात स्वीकार नहीं करता, जहां यूक्रेन के आने वाले F-16 लड़ाकू विमानों का ठिकाना था। इससे पहले रूसी सेना ने 23 जनवरी को यूक्रेन पर मिसाइल हमला किया था। उस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम को बाधा पहुंचाने के लिए एक और संयुक्त हमले में विभिन्न प्रकार की लगभग 40 मिसाइलें लॉन्च की गई थी। रूस इस समय यूक्रेन पर भारी है और यूक्रेन बुरी तरह से मजबूर है। न तो उसे सहयोगियों से सैन्य हथियार मिल रहे हैं और न युद्ध रुक रहा है। ज़ेलेंस्की अमेरिका जैसे सहयोगियों से सैन्य हथियारों की मदद की भी गुहार लगा रहे हैं और विश्व एकता के जरिए युद्ध को रोके जाने की भी मांग कर रहे हैं। यदि समय रहते युद्ध न रुका या फिर यूक्रेन को सैन्य सहायता न मिली तो यूक्रेन के लिए ये युद्ध बहुत ही बुरे सपने की तरह होगा और उसके पास जो बचेगा वो होगा देश की बर्बाद अर्थव्यवस्था और हमलों से क्षतिग्रस्त इंफ्रास्ट्रक्चर।